बाबा मस्तनाथ ने इस गांव के ग्रामीणों को दिया था श्राप। सहतीर उठाने से आहत हुए थे बाबा। श्राप ने रोक दिया था चौपाल का निर्माण। दो सौ साल बाद भी नहीं बन पाई उस जगह पर चौपाल। बाबा मस्तनाथ द्वारा किए गए चमत्कारों को वर्तमान में भी आमजन याद करते हैं। उनके जीवन से जुड़ी खिडवाली गांव की घटना लोगों में खूब प्रचलित है। घटना के मुताबिक बाबा मस्तनाथ के धुने से सहतीर उठाने पर बाबा ने चौपाल कभी न बनने का श्राप दिया था और आज भी 200 साल बाद उस जगह पर चौपाल नहीं बन पाई है और अब गांव वालों ने उस जगह से 50 मीटर दूर जाकर गांव की चौपाल बनाई है। जानिए पूरी घटना। चौपाट बनावे थे तो बाबा जी आ गए। थर दो जने आए थे सचिन ले थे अनजाने थे बताओ है अनजाने बताओ हमने तो क्या देखे थे पर अनजान बताओ है। वह बोला भाई मुखो बाबा जी ने दौड़े खाते लकड़ी कोसा मंगाया है उन्होंने मखौल कर दिया अगर अरे जो बनाए थे अगर उससे ही उठा ले जाओ भाई उठने का कौन था उल्टे डिग्री बाबा जी तरफ बाबा जी आए थे जो सोचते मेरा बाबा ने तो न्यून कर दी उस तीर का नाम ले दिया हमारे तो उठने का नहीं है वो मेरा अच्छा जाओ जाओ उठा के वो उल्टे खंदा दिए वो उठा लिए गए दो बाल के उठा ले गए काम करे थी भाई अरे न जागे दोगुना पर चढ़ा दिया। अच्छा इन देखा बहुत ले गए दोगुना पर चढ़ावे ये बाजे दोगुना पर से तार ले आए। अच्छा दोगुना पर से तार ले आए वह बाबा जी ने वचन दे दिया जंगी के तंगी मेरी बात सदर सुनी हो जंगी के तंगी और भोगगढ़ का लोगगढ़ वो जाकर यह परेश नहीं मनेगी मनी ताकतवर थे ताकत थी भाई उनमें आज तक वो वचन शेद रहे दो परिवार उनके कसरा रहा वैसे और भाई याद जगह फिर राम ने ही बंडवारा करे थे बंडवारा मारा बाबू ने बोला या मरे ला जो रईस ने कोई भी ना उठे तू के रखा मैंने भी रहा या मारे लाओ उन्हें हंग करी लो हाली ना थोड़ा नहीं लावा था इसके है हंग करके मेरे ला जो आई सब बंडवारा में जावा मैं मारे तो उधर पास है मालिक ने कसरा नहीं छोड़ी बिल्कुल जब तक तो हमारी माँ भी आने जाने लगी थी उन बात तक जब यह बनवार माई थी पांच भाई हुए हम एक साथ उंग्र अरे भाई मालिक ने राह ठा दिया कसर नहीं छोड़ी बारह सौ मालिक ने जो चावाना हुआ ही हुई गई यह कहानी छोड़ी है भाई।